जिले के सभी थाना क्षेत्रों से लॉकडाउन हटाने के बाद जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बनाए गए 340 कंटेनमेंट जोन के 100 मीटर के एरिया को सील कर उस क्षेत्र में आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि जिले को 4 जोन में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी 4 अधिकारियों को दी गई है। उस क्षेत्र में साफ सफाई के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने लोगों से अपील किया है कि सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बेवजह सड़कों पर ना निकले और शासन के निर्देशों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, देखिए हॉटस्पॉट वाइज हम लोग का व्यवस्था आज से प्रारंभ हो रही है। 340 हॉटस्पॉट है, यानी जो कहाँ पॉजिटिव मरीज निकलते हैं और ज़्यादा लोग निकलते हैं उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। 100 मीटर परिस्थिति में उसको वहाँ हम लोग पैक कराते हैं, बंद करते हैं, फिर अंदर का सफाई का काम शुरू हो जाता है। उस पर घर घर जा कर के हम लोग जाँच करते हैं और उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लेते हैं। पॉजिटिव मरीज का संपर्क में कितने लोग आए उन्हीं का भी जाँच हो जाता है। फिर नगर निगम का टीम से वहाँ सैनिटाइज हो जाता है ढंग से। फिर उसके बाद अंदर का मूवमेंट वर्जित रहता है, किसी को भी 14 दिन उसी एरिया से बाहर नहीं निकलना होता है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ताकि बड़ा कंटेनमेंट जोन में सफाई नहीं हो पाता है और जनता लोग को भी परेशान होते हैं। इसलिए तो हम लोग तो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाया। उसका एक नोडल ऑफिसर हमारा जो कुलदीप मीना साहब है, वो IAS ऑफिसर है, जॉइंट मजिस्ट्रेट ग्रुप से आए हैं। उसके अलावा शहर का हम लोग 4 जोन में बांटे हैं, 70 वार्ड को एक एक जोन एक एक जिम्मेदार ऑफिसर को दिए हैं। VC GDA है, CEO गीडा, नगरायक और शासन से आए हुए ये प्रेम रंजन IAS साहब है, उनको जिम्मेदारी में है। 4 ऑफिसर मिलकर संभालेंगे, उसके नीचे SDM और बाकी मशीनरी भी रहेगी उस पर। वहाँ हर गतिविधि का हम लोग 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे, सफाई करेंगे। आपसे बस यही अनुरोध है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप कितने मूवमेंट अनावश्यक करते हैं उतने आप लोग वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आदमी से ही फैलता है, हम ही लोग वेक्टर है। हम लोग यदि तो जाने अनजाने में किसी का अंदर कोरोना है, वो जाकर के अपने मामूली तौर से काम करने लगेगा, बिना मास्क का, बिना जो सोशल डिस्टेंसिंग का, वो कहीं ना कहीं फैलाते रहेगा और ये आपका आपके जीवन को भी खतरा बनेगा, आपका परिवार का किसी सदस्य को भी जान को खतरा बन सकता है और समुदाय को भी खतरा बन सकता है। ये बीमारी केवल सावधानी से और बचाव के लिए जो काम बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं, 3 काम, जो बिना मास्क अब बाहर नहीं निकलना है, 2 गज का दूरी और हाथ बार बार धोना है, ये तीनों चीज़ अब नहीं करेंगे आज नहीं तो कल किसी न किसी कोरोना का बीमारी में चपेट में आ जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सावधान से रहिए। केवल ये आपका जान आप खतरे में नहीं डाल रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य का भी जान खतरे में डाल रहे हैं और समूह का भी आप सदस्य किसी का भी तो जान को खतरे में डाल रहे हैं। और सचेत रहें, सावधान रहें। आपका यदि कोई सिम्टम है, यदि आ भी गया है, हम लोग पूरा तैयार है, मशीनरी आपके लिए रेडी रहेगा। 108 एम्बुलेंस लगा दीजिए, कंट्रोल रूम का नंबर आपके पास होगा, 10 कंट्रोल रूम का नंबर है, किसी को भी नंबर लगा देंगे तो आपको घर से ले आकर के उपचार के लिए हम भिजवा देंगे। सावधान से रहिए।